व्हाट्सअप गाइस, दिस इज डिल्डो। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक चैट का, या फिर आप व्हाट्सअप के सारे नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो कि ताकि आपके व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन आपको दिखे ना, वो कैसे करना हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है कुछ एक चैट हैं जिसके आप नोटिफिकेशन नहीं देखना चाहते कि भाई ठीक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहते हो कि भाई ये चैट में जब अपना आराम से जब व्हाट्सअप खोलूँ तब मुझे दिख जाए, अदरवाइज ये मुझे यहाँ पे पॉपअप ना होके आए, ठीक है। तो वो अपने यहाँ पे कैसे करना है, और ये आप चाहते हो कि आपको व्हाट्सअप के कोई भी नोटिफिकेशन ना दिखे जब आपका मन कि आपने व्हाट्सअप खोला और आपने देख लिया कि किसका मैसेज आया है, क्या कुछ है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं कि किसी एक पर्सन का आपने या फिर सिलेक्टेड पर्सन का आपने बंद करना हो वो नोटिफिकेशन, तो वो कैसे करें। सिंपली अपने व्हाट्सअप में जाना है। व्हाट्सअप में जाने के बाद जैसे ये पर्सन है मेरा, मतलब जिसकी चैट हो रही है, ठीक है, तो मैं जैसे इसके ऊपर अगर आपका नोटिफिकेशन आता है वो कैसे बंद करना है वो हम देखेंगे। तो सिंपली अपने क्या करना है, अब अपने सिंपली इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद अपने क्लिक करना है म्यूट नोटिफिकेशंस पे। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, आपने 8 घंटे के लिए बंद करना है, 1 हफ्ते के लिए, या फिर हमेशा के लिए। तो आप चूज कर सकते हो जो आपको ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे कर देता हूँ ऑलवेज, ओके कर देता हूँ, ठीक है, तो ऑन हो चुका है। अब जैसे कोई भी मैसेज भेजेंगे तो मैसेज नहीं जाएगा, जैसे मैं चैट कर रहा था इस पर, इस वाले फोन पे, तो यहाँ पे मैं जैसे कुछ भेजता हूँ, तो अभी इस पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम व्हाट्सएप पे जाके देखेंगे तो ये मैसेज आ रहे हैं। देखो यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन भी दिख रहा था, आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, कुछ भी भेजूँगा बोलेगा नहीं, और विदाउट उसके मैसेज आएगा, ना उसमें वाइब्रेट होता ना कुछ भी पता चलता, ठीक है। तो ऐसे करके अब तो एक तो ये देख सकते हो, चलो मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन होता है सेटिंग में जाके, सेटिंग में जाके अपने ऐप्स में जाना होता है। आपके पास चाहे कोई भी फ़ोन हो, मतलब जैसे एंड्रॉयड का, तो उसमें हर किसी में होगा। ऐप्स में जाओगे तो व्हाट्सअप दिखेगा आपको, मैनेज ऐप्स में क्लिक करके, मैनेज ऐप भी हो सकता है, इंस्टॉल ऐप, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, आपने वो उस पर जाना है, और उसके बाद जाने के बाद आपने सर्च करना है व्हाट्सअप। सेम प्रोसेस यहाँ पे उसमें रहेगा iOS में भी। अब अपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और नोटिफिकेशन पे आना है। अब यहाँ पे आप इस ऑप्शन को बंद कर दोगे तो सारे नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि जैसे क्या है कि नोटिफिकेशन यहाँ पे ना दिखे, बैज के लॉक स्क्रीन के ऊपर ना दिखे, वो आप यहाँ पे इससे बंद कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने लॉक स्क्रीन वाला बंद कर दिया, तो अभी हम लॉक लगाते हैं। जैसे हमने अनलॉक किया, यहाँ पे मैसेज दिख गया। तो ऐसे करके यहाँ पे सारी सेटिंग्स आपने चूज करनी है जो आप चाहो, लेकिन हमारा तो जो मेन था कि हमने इसको नोटिफिकेशन को बंद करना है। नोटिफिकेशन पे गए, इसको कर दिया, ये स्लो ऑन कर देते हैं। अब इसको कर देना अपना बंद, ठीक है। तो ये पूरा बंद हो चुका है। मैं देखो मैसेज भेज के दिखाता हूँ आपको, मैसेज नहीं आ रहे ना, ठीक है। लेकिन हम व्हाट्सएप खोलेंगे, हमें दिख गया कि यहाँ पे मैसेज आया है, ये सेम ये लिख के भेजा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो। अब जैसे क्या है कि ये मेरा जैसे वन प्लस का फ़ोन है, इसमें दिखाऊं तो इसमें कैसे होगा, सेम प्रोसेस होता है सारों में। सिंपली अपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाते ही आपको यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, तो ऐप्स पे जाना है। उसके बाद अपने जाना है मैन ऐप मैनेजमेंट, सॉरी डिफॉल्ट ऐप नहीं, ऐप मैनेजमेंट पे। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हो या सर्च कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप है। इसके बाद आपने
नोटिफिकेशन बंद कर दिए। अब मैं जैसे इसे आपको भेज के दिखाता हूँ मैसेज। ठीक है, इस पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, लेकिन हम व्हाट्सएप में जाएंगे तो ये मैसेज आए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप अपने व्हाट्सएप के जो नोटिफिकेशंस हैं उसको आप ब्लॉक कर सकते हो और मतलब सॉरी नोटिफिकेशन को अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।